जी ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा, लोग जोड़े आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है, वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, वोट मिल गया सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए और उसका आपने नाराजगी देखी, अभी मैनपुरी में नाराजगी देखी और आपने खतौली में नाराजगी देखी, रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है, अधिकारियों को लगा के पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत दिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। मायावती कह रही हैं कि रामपुर और मैनपुरी में फिक्सिंग है। देखिए मायावती जी क्या कह रही है मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है, उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ माननीय काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे, ये रहेंगे और आने वाले समय में आप साथ साथ देखेंगे। राजभर लगातार हमला कर रहे हैं, उनकी बात मत करो, वो कहीं उनके बारे में क्या बात करो। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वही डेंगू है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वही गंदगी है, कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए।